व्यापारी कर्मचारी दुकानदार नौजवान है और दिल्ली कांडा नगर मतलब ये बदमाश किसान के नाम पर पकड़ा उनका पकड़ा कर रहे हैं या ये बात करे बंदूक चढ़ा मजबूर कर रहे हैं के माध्यम से हम मांग कर आए हैं छोटे मोटे और कब कराने के ताने के दार इतना बहुत है या लड़ाई क्या लड़ाई अकाली गुलाम की लड़ाई है या लड़ाई गोरा और तीन बते हुए तो अमित शाह देश का गर्व यह लड़ाई गुरु गोविंद सिंह तैग बहादुर की लड़ाई है यह लड़ाई क्या कर रहे हैं भाई उसकी पुलिस कर रही है ये लड़ाई भगत सिंह राजपूत की लड़ाई है ये बाबा साहब अंबेडकर अंबेडकर की लड़ाई है ये लड़ाई बहुत अच्छी लड़ाई है और इस लड़ाई को हम जीत कराएंगे क्योंकि लड़ाई लंबी है और ये जो किसान है किसान इस देश का नहीं अन्नदाता और मजदूर मतदाता का और इन अरे बंगाल के चुनाव ये कड़ा गया कोरोना ये पचपन चर्चा लाख लोगों के रेल लिख रहे हैं और दिल्ली में लाखों किसान है बैठे हैं अपना कांग्रेस पर बैठे हैं लड़ाई लड़ने का तरह इन काले खंड ये देश में गांव है ये कोरोना कड़ा चल गया ये कोरोना इस कोरोना के हाल में इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं और इस देश को न तो हम सुखने देंगे न बिकने देंगे क्योंकि यह देश क्रांतिकारियों का यह बाबा बंजारा बंदा बहादुर का देश है यह सतीदास मतीदास का देश है यह क्रांतिकारी योद्धाओं का देश है और यह सारे योद्धा बैठे हैं और जंगल में और मोदी जी तक ठोंटी नहीं टिकवा दे पराजित नहीं करवा दिया तीन लड़की नहीं कटवा दिया नाक के गले बैठ रही तो भाई डरने बता और एक जंगल का किनारे एक नदी थी और उस नदी में चिड़िया जागर अपनी सूंड पर कर उसमें गैस दे पानी में उसमें आग में और बिल्कुल बंदर बजा जो आज किसानों के साथ नहीं है वो किसानों का गद्दार है पानी के लिए आया है किसानों के साथ नहीं है वो तो बिका हुआ बीजेपी का खरीदिया या दलाल दलिया है और जो किसानों के साथ खड़े होगा नहीं बिल्कुल उसको पीछे से लेकर के बिल्कुल भरस से अस्तक बुलाने ये ताकत है किसानों की क्योंकि किसान देश की रीढ़ है अगर रीढ़ टूट जाएगी तो देश खत्म हो जाएगा और ये लड़ाई देश के सिर्फ 62 करोड़ किसानों की नहीं है ये देश की जो गरीब जनता है 120 करोड़ उसकी रोजी रोटी की लड़ाई है या कंपनियों की सरकार है।